नमस्कार मित्रों, जीआईएस विद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासवीज में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सुस्वागत है। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संस्कृत साहित्य का इतिहास। उसमें हमारा अंतिम बिंदु था वेद त्रय। इसी से हम आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो मित्र जो बंधु नए आए हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और आइकन बेल का जो आइकन है उसे दबाएं, जिसके कारण सबसे पहले आप तक हमारी जो वीडियो है जो क्लास है वो आप तक अवश्य पहुंच सकती है। तो मित्रों, वेद त्रय ये जो बिंदु है ये है वेद त्रय। इसका मतलब क्या है? वेद रचना के तीन प्रकारों को, किसके? वेद रचना के तीन प्रकार, ये इसका अर्थ है। वेद रचना के तीन प्रकारों को हम वेद त्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रय। क्या कहते हैं? वेद त्रय। अब इसमें वेद रचना के जो तीन प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार? तो देखिए, यथा नंबर एक, पद्ममयी रचना। नंबर दो, गद्यमयी रचना। नंबर तीन, गानमयी रचना। ये है नंबर तीन। परिभाषा, वेद त्रय किम कथिया? वेद रचनाया त्रि प्रकाराणि वेद त्रय कथियते। वेद रचना के तीन प्रकारों को वेद त्रय कहते। दूसरा प्रश्न, वेद रचनाया त्रि प्रकाराणि किम कथियते? वेद रचना के तीन प्रकारों को क्या कहते? उत्तर, वेद रचना के तीन प्रकारों को कहते हैं वेद त्रय। तीसरा प्रश्न, वेद त्रय किम यानी वेद त्रय में किम किम भवन्ति, क्या क्या होते हैं या क्या क्या आते हैं? या वेद रचनाया त्रि प्रकाराणि किम, वेद रचना के तीन प्रकार क्या हैं? तो आपको लिखना है पद्ममयी रचना, गद्यमयी रचना और गानमयी रचना। बंधुओं, ये जो गद्यमयी जो रचना है ये है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। गद्यमयी जो रचना है ये है यजुर्वेद। ठीक, गानमयी जो रचना है ये है सामवेद। पद्ममयी रचना ऋग्वेद, गद्यमयी रचना सामवेद,
और गानमयी जो रचना है, सॉरी गद्यमयी रचना है यजुर्वेद, और गानमयी जो रचना है वो है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। अब देखिए, इससे पहली जो क्लास थी उसमें एक बिंदु था वेद। वेद से ही करीब करीब 30 या 35 प्रश्न हमने एक ही चक्र के माध्यम से आपके लिए पढ़ाए थे। मात्र अर्जुन की तरह आपकी नजर उस बिंदु पर होनी चाहिए, जो बिंदु चारों ओर से घिरा हुआ था वो था वेद। वेद के चारों तरफ चहुं तरफ प्रश्न ही प्रश्नों का अंबार लगा हुआ है गोलाकार। इससे पहली वाली क्लास थी उसमें आप देखेंगे कि एक बिंदु से ही जिस प्रकार से एक किसी परमाणु बम से या किसी ऐसे जैविक हथियार से या किसी भी हथियार से जो चारों तरफ विनाश की किरण निकलती हैं, उसी प्रकार से एक ही वेद से तमाम प्रश्न आपने पढ़े, जिस तरफ आप घूमेंगे उसी तरफ वेद ही वेद नजर आएगा। उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो होंगे वो एक ही प्रश्न है और वो है वेद। जिस प्रकार से अर्जुन को मात्र मछली की आंखें नजर आई आती थी, उसकी नजर मात्र मछली की आंखों पर थी, उसी प्रकार से आप नजर घुमाए रखें तो आपको प्रश्न ही प्रश्न नजर आएंगे, लेकिन उनका उत्तर एक ही नजर आएगा मछली की आंखों की तरह, और वो प्रश्न का उत्तर है वेद। वो जो प्रश्न का जो उत्तर आप देखेंगे उस प्रश्न का उत्तर है वेद। क्या है? वेद। अब देखिए, ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये कितने प्रकार के हैं? ब्राह्मण ग्रंथ इनके तीन वेद हैं, त्रिवेदा। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये कितने भेद हैं? इसके तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन वेद। प्रत्येक यानी प्रत्येक वेद की, ये ब्राह्मण जो ग्रंथ है यानी जो वेद है, प्रत्येक वेद की, प्रत्येक वेद की एक संहिता होती है। प्रत्येक वेद की एक संहिता होती है। आपने पढ़ा है इससे पहले कि वेद के दो भाग हैं, मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप। मंत्र रूप का जो अपरम नाम जो दिया था वो दिया था संहिता। ब्राह्मण यानी मंत्र रूप की व्याख्या रूप को ही हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। मंत्र रूप के जो व्याख्या रूप जो भाग था, मंत्र समुदाय का जो दूसरा नाम है वो था संहिता। और अब देखिए, चाहे आप किसी प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं, संहिता भाग की जो व्याख्या रूप है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद की एक संहिता होती है और वो है जैसे यथा ऋग्वेद संहिता नंबर 2, यजुर्वेद संहिता
और नंबर तीन है सामवेद संहिता। यह है संहिता यानी ब्राह्मण ग्रंथ, चाहे यह है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए एक चौथा जो वेद है और वो है ऋग्वेद। तो चौथा नाम जब हम जोड़ेंगे तो उसका नाम भी हो जाएगा अथर्ववेद, वेद अथर्ववेद वेद संहिता। ठीक है बंधु, अब देखिए अब आप प्रश्न, एक एक प्रश्न बड़ा ही मुख्य प्रश्न है, वैदिक साहित्य है, इसमें रस बरसता है। तो देखिए अब देखिए इसके बाद आता है कि एक विद्वान हुए हैं महर्षि पतंजलि, ये है पतंजलि, इसने वेदों के बारे में क्या कहा है। महर्षि यानी ये जो पतंजलि पैदा हुए थे, पतत प्लस अंजलि, इसका संधि विच्छेद है पतत प्लस अंजलि। संधि कौन सी है, एक सूत्र आता है सकंध्वा दिशो पर रूप वाच्यम, सकंध्वा दिशो पर रूप वाच्यम, जहां सक गण की धातु दी हुई होती है वहां पररूप संधि होती है, और पररूप का संधि होती है दोनों शब्दों को बिना परिवर्तन के एक साथ जोड़। ठीक है बंधु, अब देखिए मैं ये जो विद्वान हुए हैं संस्कृत के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने यानी महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि चत्वारो वेदा, चत्वारो वेदा चारों ही वेद, इन्होंने लिखा है कि चत्वारो वेदा, चत्वारो वेदा सांग सरहस्य, सांग सरहस्य ये वाक्य लिखा है, चत्वारो वेदा सांग सारहस्य, ये वाक्य किसने लिखा है। तो ये प्रश्न बनता है कि इदम वाक्यम केन कथितम, तो आपको लिखना है पतंजलि ना, क्योंकि केन से जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें तृतीया लगाई जाती है। ठीक है बंधु, या प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है कि पतंजलिना, पतंजलिना किम कथितम, पतंजलि ने क्या कहा था, वेदस्य उपरि वेद के ऊपर, या वेदानाम उपरि वेदों के ऊपर, वेदों के बारे में पतंजलि ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है चत्वारो वेदा सांग सरहस्य, चारों ही वेद, चारों ही वेद रहस्यपूर्ण रस से भरे हुए, यानी चारों ही वेदों में रहस्य है, बड़ा ही रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि ये स्वयं ईश्वर की रचना है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई आकृति नहीं, क्योंकि वेद की जो रचना हुई है वो अपौरुषीय रचना मानी जाती है, अर्थात बिना पुरुष की रचना, और बिना पुरुष कौन है, और वो है ईश्वर, भगवान है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई गति नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को देखना चाहता है मनुष्य उसी रूप में उसे मिल जाता है, जिस रूप में आप देखना चाहते हो मनुष्य को उसी रूप में ईश्वर मिलता है, तो उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं। अब देखिए आगे देखिए
ये जो वाक्य कहा है, ये कहा है महर्षि पतंजलि। अब अगला प्रश्न, वेद का निर्मल चक्षु, वेद का निर्मल चक्षु क्या है? ज्योतिष शास्त्र। यानी ज्योतिष शास्त्र ये वेद का निर्मल चक्षु है। वेद का निर्मल चक्षु क्या है? ज्योतिष शास्त्र। क्या भी बंधुओं? ज्योतिष शास्त्र। अब देखिए इस ज्योतिष शास्त्र की, इसके तीन मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? तीन मार्ग, जिन्हें त्रिस्कंद कहते हैं। वेद का निर्मल चक्षु माने होता है नेत्र। वेद का निर्मल नेत्र है, यानी वेद की आंखें, और वो आंख है ज्योतिष शास्त्र। मनुष्य की आंख कितनी होती है? दो। कितनी होती है? तो अब देखिए, वेद का चक्षु है ज्योतिष शास्त्र, और ज्योतिष शास्त्र के तीन मार्ग। कितने मार्ग हैं? तीन मार्ग। कितने रास्ते हैं? तीन रास्ते हैं। उन तीनों मार्गों को हम त्रिस्कंद कहते हैं। ज्योतिष शास्त्रस्य त्रिमार्गाणि त्रिस्कन्ध कथ्य। ज्योतिष शास्त्र के तीन मार्गों को हम त्रिस्कन्ध कहते। ज्योतिष शास्त्र के तीन मार्ग, कितने मार्गों को? तीन मार्गों को हम त्रिस्कन्ध कहते। ये प्रश्न, इससे पहला प्रश्न आया था वेद पर। दोनों ही प्रश्न देख लीजिए, वेद रचना के तीन प्रकारों को वेद त्रय कहते हैं, और ज्योतिष शास्त्र के तीन मार्गों को हम त्रिस्कंद कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के तीन मार्गों को त्रिस्कंद कहते हैं। जय जय श्री राम। और वेद के रचना के जो तीन प्रकार हैं, उन्हें हम वेद त्रय कहते हैं। दोनों प्रश्न एक समान से ही नजर पड़ते हैं, लेकिन आपको इनमें ये भिन्नता। अब देखिए ये प्रश्न यहां तक है, पहले प्रश्नों को एक बार एक साथ ही रिवीजन कर लें। वेद रचना के तीन प्रकारों को वेद त्रय कहते हैं, और वेद त्रय में आते हैं कौन कौन से? गद्यमयी रचना, पद्यमयी रचना और ज्ञानमयी रचना। ठीक, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के तीन भेद। कितने भेद हैं? तीन। यानी इनके जो प्रकार है, सॉरी त्रिभेदा है, प्रत्येक वेद की एक संहिता होती है। जैसे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और सामवेद संहिता। क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि वेद के दो भेद हैं, मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप। मंत्र का दूसरा नाम है संहिता, संहिता की व्याख्या रूप को ही कहते हैं क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। वेद का जो निर्मल चक्षु है वो है ज्योतिष शास्त्र। वेद का जो निर्मल चक्षु है वो क्या था? ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के जो तीन मार्ग, ज्योतिष शास्त्र के जो तीन मार्ग हैं, उन्हें कहते हैं त्रिस्कंद। क्या कहते हैं बंधुओं? त्रिस्कंद। अब आता है अगला प्रश्न कि ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में, कि ऋग्वेद में
समय को कौन प्रकट करता? ऋग्वेद में समय को कौन प्रकट करता, कौन करता है? अब देखिए, आप ही को सोचना है कि ऋग्वेद और ऋग्वेद में समय जो है कि समय के बारे में कौन हमें बतलाता है, अर्थात समय को कौन प्रकट करता है। ज्योतिष शास्त्र, ये प्रश्न ऋग्वेद में टाइम को कौन प्रकट करता है? कौन करता है? ज्योतिष शास्त्र, ये इसका उत्तर है। ऋग्वेद में समय को कौन प्रकट करता है और वो है ज्योतिष शास्त्र। क्या है बंधुओं? ज्योतिष शास्त्र। अब देखिए, अब इसके बाद आता है प्रश्न, ये बनता है वेद की रचना का समय, ठीक। अब यहां प्रश्न वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि वेद की रचना का समय। दूसरा प्रश्न है कि सबसे पहले जो वेद उत्पन्न हुआ, जिस वेद की रचना की गई भगवान ब्रह्मा के द्वारा, वो था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की रचना का समय अर्थात वेद की रचना का समय, दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न है। तो देखिए, ये प्रश्न है, इसके बारे में विद्वानों ने अलग अलग कहा है। नंबर एक, सबसे पहले मैं लिखता हूं गंगाधर टेलर, सबसे पहले मैंने लिख दिया वाल गंगाधर टेलर, ठीक है बंधुओं। अब देखिए, वाल गंगाधर टेलर, दूसरा मैंने लिख दिया नक्षत्रों की गणना के आधार पर, ठीक। इन दोनों के अनुसार जो ऋग्वेद की रचना का समय निर्धारित किया गया वो था 6500 ईसवी पूर्व, 6500 ईसवी पूर्व, ये है। अब देखिए, इसमें जो है ना, ये प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथों में, यानी ब्राह्मण ग्रंथों के समय, किसके समय? ब्राह्मण ग्रंथों के समय नक्षत्रों की गणना, मैं लिख भी देता हूं कि ब्राह्मण ग्रंथों के समय जो नक्षत्र थे, नक्षत्रों की गणना, किनकी गणना? नक्षत्रों की गणना कृतिका नक्षत्र के द्वारा, ये कृतिका
एक नक्षत्र है। ब्राह्मण ग्रंथों के समय नक्षत्रों की गणना कृतिका नक्षत्र के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? कृतिका नक्षत्र के द्वारा, ठीक है। और ये जो नक्षत्रों की गणना है इसके आधार पर वेद का समय है 6500 ईस्वी पूर्व। फिर प्रश्न ये है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस मत को स्वीकार किया है। बाल गंगाधर जो तिलक है उसने इस मत को स्वीकार किया है। कौन सा मत? नक्षत्रों की गणना के आधार, यही कारण है। अब देखिए अगला नंबर 3, ठीक है। मैक्स मूलर, इसके अनुसार वेदों की रचना का समय जो निर्धारित किया गया वो है 1150, ठीक है बंधुओं। मैक्स मूलर के अनुसार वेदों का जो रचना समय है वो माना है कितना? 1150। कितना? 1150। अब आता है डॉक्टर अविनाश चंद्र, ये एक डॉक्टर हुए थे डॉक्टर अविनाश चंद्र, इनके द्वारा 25,000 वर्ष पूर्व माना गया, 25 सहस्रम पूर्व यानी ईस्वी पूर्व, ठीक है मित्रों। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र के द्वारा 25,000 ईस्वी वर्ष पूर्व माना गया है। तो ये अब देखिए डॉक्टर जो अविनाश चंद्र है इसकी रचना है ऋग्वेदिक इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेदिक इंडिया ये इसकी रचना है। इसके अनुसार इसका समय ये माना गया है, ठीक है बंधु। अब देखिए नंबर 5, एक मैकडोनल, ये भी एक विद्वान पैदा हुए हैं, और मैकडोनल जो था उसके अनुसार माना है 1300 ईस्वी पूर्व। मैकडोनल इसके अनुसार वेद का समय जो माना है वो माना है कितना? कितना माना है? 1300 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब एक और भी पैदा हुए यकोबी, इसके अनुसार माना है 4500 ईस्वी पूर्व। मैकडोनल के अनुसार है 1300 ईस्वी पूर्व, और यकोबी जो विद्वान था ये जर्मन का विद्वान था, इनके अनुसार माना है 4500 ईस्वी पूर्व, ठीक है मित्रों। अब आता है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं यही लिखता हूं, ये जो 4500 ईस्वी पूर्व है ना, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ऋग्वेद का जो समय माना है वो माना है 4500 ईस्वी पूर्व, ठीक है बंधुओं। अब इन सभी के अंत, इन सभी के अंत में वेदों का जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो जन्म समय है, उत्पत्ति जो समय है, निष्कर्षतः इन सभी के आधार, इन सभी यानी ये जो वेद का जो समय है इस समय के आधार
निष्कर्ष जब निकलता है निष्कर्ष के रूप में, इसके रूप में निष्कर्ष के रूप में मैं यहां लिखता हूं, निष्कर्ष के रूप में 4500 ईस्वी पूर्वम से 1500 ईस्वी पूर्वम मान, यह है इसका निष्कर्ष। इसके बीच में मान, इसके बीच मान आए 4500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, यानी इसी के मत में, निश्चित नहीं है, इसी के मत। ठीक है बंधुओं, ये है ऋग्वेद की रचना का समय, किसी ने कब माना है, किसी ने कब माना है, इसी के आधार पर वो किसी को भी मान सकता है, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता। ठीक है बंधुओं, तो आप इस जो ये जो है, एक और हुए थे बालकृष्ण दीक्षित, एक और हुए थे बालकृष्ण दीक्षित, मैं यहां लिखता हूं बालकृष्ण दीक्षित, इनके अनुसार जो माना गया था वो माना गया था 3300 ईस्वी पूर्व। ठीक है बंधु, आप चलते हुए एक बार सरसरी नजर से देखें, बाल गंगाधर तिलक 6500 ईस्वी पूर्वम, मैक्स मूलर जो अधिकांशतः ये मुख्य माने जाते हैं 1150 ईस्वी पूर्वम, नक्षत्रों की गणना के अनुसार 6500 ईस्वी पूर्वम, ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में जो के समय जो नक्षत्रों की गणना की जाती थी, ये अगला प्रश्न है, कृतिका नक्षत्र के द्वारा की जाती थी, इनके अनुसार इसका समय इतना है, तो वार गंगाधर तिलक ने इसे स्वीकार किया। ठीक है, अविनाश चंद्र के द्वारा 25000 पूर्वम, इसकी रचना का नाम है ऋग्वेद किंडिया, बालकृष्ण दीक्षित के द्वारा 3500 ईस्वी पूर्वम, निष्कर्ष जो निकलता है वो निष्कर्ष ये निकलता है कि 4500 ईस्वी पूर्व से और 1500 ईस्वी पूर्व तक, यानी इसी मध्य में ऋग्वेद का जन्म हुआ। बंधुओं, आप इन प्रश्नों को बड़े ही सरल तरीके से याद करें, आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।